हाँ जी, हाँ शनि तो दुख देने वाला है, शनि लेकिन शनि शनि दुख देने वाला है, लेकिन शनि के बारे में एक बात और पक्की है कि जिसके साथ दोस्ती कर लेता है उसके साथ पक्की दोस्ती निभाता है। तो सबको दुख देने वाला है या दोस्तों को सुख देने वाला भी है? नहीं तो शनि की पूजा क्यों होती है? प्योरिटी के आधार पर पूजा होती है, तो उसकी प्योरिटी में भी कोई विशेषता है। सबको दुख नहीं देता है, जो दोस्ती निभाते हैं उसके साथ उनको दुख नहीं देता है। शनि के लिए और भी एक गायन है, पाँव धोने में थोड़ा ठीक नहीं धोया तो भी शनि वहाँ आ जाते, आके बीत जाता है, ठीक है क्या? पाँव पाँव धोने में है ठीक नहीं धोया है तो भी ठीक नहीं धोया तो साफ ठीक नहीं हुआ ना, उस जगह में आकर शनि घुस जाता है, शनि की दशा शुरू होता है ना, तब वो घुसने के समय तो ठीक नहीं धोया तो दूसरी जगह में आके वो घुस जाता है, ऐसा कहते हैं। बुद्धि रूपी पाँव की बात है, बुद्धि रूपी पाँव धोना ही है तो ठीक रीत से धोना चाहिए, आधा धोया आधा कीचड़ लगा रह गया, लबड़ जबड़ काम किया तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो अच्छी बात है या खराब बात है? एक्यूरेट काम करो। पांव धोने वाले केवट ने पांव धोया है और ठीक से पांव नहीं धोया, राम के पांव धोए ना केवट ने, हाँ तो नाव पर कब चढ़ाया? पांव अच्छी तरह साफ किए फिर साफ करके नाव पर चढ़ाया, उनका बोझ किसके ऊपर डाला? नाव के ऊपर। तो ये नवैया का मिसाल दिया है क्या? नवैया कैसी होती है? ऐसी होती है, होती है कि नहीं? तो जो ऐसी नवैया है वो कठबुद्धि नवैया है, है तो कठबुद्धि, लेकिन उसके ऊपर भी चढ़ने तब देंगे जब अच्छी तरह से बुद्ध रूपी पांव साफ हो जाए, तो भले पूरा बोझ डाल दो। क्या भगवान जो है जब आता है तो गोवर्धन पर्वत उठाए लेता है, गौओं को बढ़ाने वाला पहाड़ का पहाड़ ही उठाए लेता है। कितनी गौए? 16,108 गौए, जो प्रिंस प्रिंस से बनती है, राज परिवार के भांति बनते हैं जन्म जन्मांतर, और सारे संसार का बोझ उठाने के निमित्त बनते हैं। उस गोवर्धन पहाड़ का सारा बोझ किसके ऊपर रख दिया है? कनिष्ठिका छोटी सी उंगली के ऊपर रख दिया,
उसे नवैया कह दो या कनिष्ठिका कह दो, तो धोने वाला अगर ठीक से बुद्ध रूपी पांव नहीं धोएगा, आधा धोएगा और आधी बुद्धि इधर उधर लगा देगा तो अनुष्ठान सफल नहीं होगा। तो शनिदेव कोई बुरा काम तो नहीं करता है, हाँ वो दंड विधान कर देता है। ये श्रीमत के बरखिलाफ बात हो गई, क्योंकि दंड विधान करना ला अपने हाथ में लेना ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए देवता तो है लेकिन नीची कोटि का देवता माना जाता है, ऊंची कोटि का देवता ऊंची कोटि का ग्रह नहीं माना जाता। और जो अरे जैसा देवता वैसा उसका नेग, जैसा नाई वैसा उसका नेग। ऊंचा आदमी होगा तो ऊंचा उसका फर्नीचर होगा या टूटा फूटा फर्नीचर होगा, है ऊंचा ही फर्नीचर होगा। तो देवता है निश्चय कोटि का, तो निश्चय कोटि के धर्म से कनेक्टेड होगा या सूर्यवंशियों से कनेक्टेड होगा, है जो निश्चय कोटि का धर्म है आर्य समाज, जहां देखी तबा बारात वही बिताई सारी रात, अवसरवादी। किसी धर्म के ऊपर उनको श्रद्धा नहीं पक्की बैठती हमेशा के लिए। एक धर्म ग्रहण करेंगे फिर वहां से भी जी हट जाएगा, दूसरा धर्म पिता आया दूसरे धर्म में चले गए, तीसरा धर्म पिता आया तीसरे धर्म में चले गए। तो उनका अभ्यास पक्का हो जाता है, किसी धर्म पर उनको श्रद्धा बैठती नहीं, धर्म निरपेक्ष बुद्धि हो जाती है। हमें कोई धर्म की अपेक्षा नहीं है, कोई भी धर्म को मानो हमको वोट देते रहो। तो उनका जो गुरु होता है, किनका, आर्य समाजियों का जो गुरु होता है वो कौन सा गुरु है, है हाँ जी वो गुरु है जो कांव कांव करने वालों की सवारी करता है। कौआ क्या करता है, है हाँ खुद भी गंध खाता है और कांव कांव करके सबको बुलाता है, आओ फाइव स्टार होटल खोले हुए हैं। है कुछ नहीं बताया गया क्यों, हाँ जो पुराने से पुराना होगा तो पारसनाथ से कनेक्टेड नहीं होगा। अरे कोई पारसनाथ हुआ है कि नहीं, है स्पर्श करने मात्र से ही गति सदगति हो जाती है। उनकी भावना तो देखो कैसी अच्छी है कि शरीर भी छूट जाए तो क्या करेंगे शरीर को, कोई घाट के किनारे कोई कुएं के किनारे ले जाके रख देंगे ताकि कोई के काम आ जाए। तो भावना अच्छी है या खराब है, है अच्छी भावना है। है जब रावण राम से आमने सामने लगते हैं
इसी टाइप पर रावण रथ में आता है लेकिन राम फिर भी धरती पर रहते बांझ छोड़ देता है बट थोड़ा टाइम आने के बाद वो सूर्य को बुलाने के बाद माधुरी आकर के उनका रथ देता है। कौन आकर के? माधुरी। रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण रथ के ऊपर सवार है और रघुवीर माने राम विरथ रथ से विहीन है। देख विभीषण भयउ अधीरा, ऐसी बात देख करके विभीषण जो राम का भक्त है वो अधीर हो गया, उसका धैर्य खोने लगा। ब्राह्मणों की संगमयुग दुनिया में ये कब की बात है? है? समझ में क्यों नहीं आता है? राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में जब शरीर छोड़ देती है तो शरीर छोड़ने के बाद वो दूसरा जन्म लेकर ब्राह्मणत्व ग्रहण करती है या नहीं करती है? करती है। जब दूसरा शरीर लेती है तो वास्तव में उस समय वो रथ तो है लेकिन शिव बाबा उसमें प्रवेश नहीं है। तो रथी संपन्न कहा जाएगा या असंपन्न कहा जाएगा? और ब्रह्मा में सुप्रीम सोल प्रवेश करता था लेकिन वो रूप जिसने 10 धर्मों का तामसी रूप संसार के सामने प्रत्यक्ष कर दिया, मृत्युलोक में या अमरलोक में? है मृत्युलोक में। तो किसका रूप हुआ? राम का रूप हुआ या रावण का रूप हुआ? रावण का रूप हुआ। वो रथी हो गया क्या? और जो राम वाली आत्मा है रथ विहीन हो गई। फिर उनको भी रथ चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, रथ ही नहीं भागीरथ कहा जाता है। वो तो टेम्परेरी था फिर भी वो कैसा रथ हो जाता है? हाँ? मुकर्रर रथ हो जाता है। और बहुत बड़ा है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो मंदिर हैं वो नॉर्थ इंडिया में है या साउथ इंडिया में है? साउथ इंडिया में है। बल शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान का जन्म नॉर्थ इंडिया में हुआ लेकिन मंदिर कहाँ है? साउथ इंडिया में। तो दक्षिण भारत है भारत का विदेश और विदेशियों की भाषा
भगवान की भाषा से मिलती जुलती होती है या अपोजिट तो होती है? अपोजिट भाषा होती है। इसलिए ज्ञान की गुह्यता को उतना नहीं पकड़ पाते जितना नॉर्थ इंडिया वाले जल्दी पकड़ लेते हैं। तो ज्ञान बुद्धि में न पकड़ पाने के कारण जो भगवान की पकड़ है वो विदेशियों को अच्छी होती है या स्वदेशियों को अच्छी होती है? स्वदेशी बुद्धि रूपी हाथ से अच्छी तरह पकड़ लेते हैं, क्योंकि भाषा मातृभाषा हो जाती है। जो माँ बाप की भाषा वो बच्चों की भाषा हो जाती है। अब यहाँ सवाल पैदा ये होता है, आत्मा विदेशी होती है या शरीर विदेशी होता है? है? शरीर विदेशी होता है। तो दक्षिण भारत में जिन्होंने जन्म लिया है वो शरीर से जन्म लिया है, कोई गारंटी तो नहीं है कि उनकी आत्मा स्वदेशी है या विदेशी है? है? अरे इस बात की गारंटी कौन देगा कि दक्षिण भारत में रहने वाले जो शरीरधारी हैं, दूसरे भाषा भाषी हैं, ब्राह्मण, वो जन्म जन्मांतर के स्वदेशी हैं, उनकी आत्मा या विदेशी है? है? आत्मा जन्म जन्मांतर दक्षिण भारत में ही जन्म लेती रही। अगर जन्म जन्मांतर दक्षिण भारत में ही जन्म लेती रही तो कहेंगे विदेशी। अगर लास्ट जन्म में आके दक्षिण भारत में जन्म लिया और इससे पहले के 62 जन्म नॉर्थ इंडिया में लिए तो उन आत्माओं को दक्षिण भारत में जन्म लेने के बावजूद भी स्वदेशी कहेंगे या विदेशी कहेंगे? है? कहीं कुछ कह देते कहीं। अगर जन्म जन्मांतर नॉर्थ इंडिया में कोई ने जन्म लिया और इस आखिरी जन्म में साउथ इंडिया में जन्म लिया तो उन आत्माओं को स्वदेशी कहेंगे या विदेशी कहेंगे? स्वदेशी कहेंगे ना। और फिर उनकी पहचान भी कोई होगी कि नहीं होगी? है? क्या पहचान होगी? है? नहीं, उनकी पहचान होगी कि बल विदेश में जन्म लिया, शरीर विदेशी है, इसके बावजूद भी ज्ञान में आने के बाद चाहे बूढ़ी माता ही क्यों न हो हिंदी जल्दी जल्दी सीख जाएगी। सीखेगी या नहीं सीखेगी? सीख जाएगी भाई भी। तो ये मिसाल दिया भाई, तो और ही जल्दी सीख लेते हैं क्योंकि बाहर विचरण करते हैं और माताएं तो घर में ही रहती हैं, तो बाहर विचरण करने के कारण बाहर के इंडिया में ऑल इंडिया में हिंदी की बाहुल्य है या दूसरी भाषाओं का बाहुल्य? हिंदी का बाहुल्य होने के कारण भाइयों को तो और सहज है। तो ये जो दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाए गए हैं, बड़े बड़े मंदिर, भव्य मंदिर बनाए गए हैं, वो इस बात की यादगार हैं। मंदिर किस बात की यादगार हैं? है? भगवान की यादगार हैं। वो यादगार जो बनाई जाती है वो भक्त ज्यादा बनाते हैं। क्या भक्त यादगार बनाते हैं या ज्ञानी यादगार बनाते हैं?
भक्त यादगार बनाते हैं, जड़ यादगार, जड़ मूर्तियां स्थापन करते हैं। इसलिए भारत में, दक्षिण भारत में बड़े बड़े भव्य मंदिर बने हुए हैं, क्योंकि ज्ञान उतनी गहराई तक नहीं ग्रहण कर पाते। इसलिए भक्ति मार्ग का अंश ज्यादा रह जाता है और बड़े बड़े मंदिर बनते हैं। सभी मंदिर बड़े बड़े बने हुए हैं, दक्षिण भारत से लेकर के है। हाँ, जो मूर्तियां हैं वो भी ऊंची ऊंची बनाते हैं और मंदिर भी ऊंचे ऊंचे बनाते हैं। गोपुर हिंदी का जो बात बोला ना, है जो हिंदी नहीं सीखने वाले या भाई हो या बहन हो, संख्या किसकी ज्यादा रहती है? नहीं, नहीं, एक बात, ना सीखने वालों की संख्या ज्यादा रहती है या सीखने वालों की संख्या ज्यादा रहती है? हिंदी नहीं सीखने वालों में जो मौका मिलने से भी नहीं सीखने का और मौका मिलने से सीखने का, इसमें दो कैटेगरी हो गया, तो उनका कैसा जन्म है? मौका मिलना या न मिलना वो भी पूर्व जन्म के ऊपर आधारित है या वर्तमान पर ही आधारित है? पूर्व जन्म संगम युग में तो शूटिंग होता है ना, संगम युग में शूटिंग ऐसी ही की है। संगम युग में उन्होंने शूटिंग ऐसी ही की है कि भगवान आया तो भी दूर 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 होना क्या चाहिए? अरे भगवान आए तो तुरंत सरेंडर हो जाओ, एकदम नजदीक। तो भगवान के घर के वातावरण में हिंदी सीखेंगे या दूसरी भाषा सीखेंगे? हिंदी सीखेंगे। मंदिर सभी बनाए राजा है, उनकी परंपरा तो दिखाई देता है, उनकी परंपरा जो मंदिर है, भव्य मंदिर बनाए हुआ राजा है, उसका परंपरा किधर है? परंपरा क्या किधर है? परंपरा किधर है? मंदिर बनाए हुआ राजा है। हाँ, जिन राजाओं ने मंदिर बनाए, हाँ, वो वंशावली नहीं होगी इनमें, अभी यहाँ वंशावली बैठी नहीं होगी है। कृष्णदेव रायल यहाँ दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है, तो उसकी वंशावली के यहाँ बैठे नहीं होंगे, बैठे होंगे? और है वापस से जो आत्मा आते थे वो बाबा के सम्मुख आते थे नहीं है? द्वापर से जो आत्मा ये आते थे परम दाप से, वो बाबा के सम्मुख आते थे नहीं है? तो उनका कैसे कैसे चल होगा? अभी नहीं आते हैं, लास्ट में आवेंगे या नहीं आवेंगे? बाबा माउंट आबू में होगा, उनको मिलने का मौका भी नहीं मिलेगा। बाबा ने बोला है कि बड़े बड़े जो धर्म पिताएं हैं वो भी अंत में आकर के बाप के सामने नमन करेंगे, माथा झुका करके वापस जावेंगे। 500 करोड़ को नहीं, उनके जो मुखिया हैं वो बाप के सामने आके माथा झुका के जावेंगे। पर उनके उनके फॉलोअर्स जब वो मानेंगे, वो माथा झुका जाएंगे, तो उनके फॉलोअर्स भी माथा झुका जाएंगे। अरे माथा झुकाने माने बात मान लेना, बुद्धि झुका देना। तो मुखिया ने बुद्धि झुका दी तो उनके फॉलोअर्स की बुद्धि नहीं झुकेगी? पर वो बाप के सम्मुख आते ही नहीं। कौन? हाँ, सन्मुख तो वो ही आवेंगे जो पावरफुल होंगे। सम्मुख ना आने से भी उनका बैटरी चार्ज होगी? ये कोई बात नहीं होती, याद करने से बैटरी चार्ज होती है या सन्मुख आने से बैटरी चार्ज होती है? तो ऐसा कहीं नहीं कहा। तुम बच्चे मेरे को जितना ही याद करेंगे उतना तुम्हारी बैटरी चार्ज होगी। ये दर्शन करने की बात नहीं है, इन आँखों से भगवान का दर्शन होता भी नहीं है, है। दूर बैठे भी बांधेली माताएं भगवान बाप को पहचान लेती है,
ऐसे अच्छे 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 लेटर्स लिखती हैं, भाव भरे हुए, जो ज्ञान में सन्मुख बैठने वाले की ऐसी उनकी भावना नहीं चल सकती। तो मतलब जो नहीं देखा वो भी लेटर लिख सकते हैं? बिल्कुल, इन आंखों से देखने की बात है भगवान को। ये भाई का बात के लिए है, यही बेंगलुरु के डिस्कशन में साष्टांग नमस्कार करके बाबा बोला, पूरा अष्टदेव उनका परिवार के साथ सरेंडर होंगे करके साष्टांग नमस्कार के लिए। साष्टांग नमस्कार का मतलब ये है कि आंख भी झुका देंगे, आंख भी जो कन्याएं माताएं हैं भगवान के घर में उनको ऐसे उठा करके नहीं देखेंगे, कानी आंख से झुका देंगे आंख को, कोई भी अंग झुका देंगे, आठ अंगों में से कोई भी अंग झुकाएंगे, माता की दृष्टि रखेंगे, वो है साष्टांग प्रणाम। और नहीं, वो लास्ट डिस्कशन में ये भी बताया जो साष्टांग नमस्कार जब अष्टदेव होता है उसका पूरा ग्रुप भी बाबा को सरेंडर होता है। ठीक है, ये भाई का बात यही चला था ना, ये कोई नहीं लिखा है। बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे राधा कृष्ण का चित्र दिया हुआ है, राधा के राइट हैंड में मुरली दिखाई है, उसका अर्थ क्या है? अरे वो राधा कृष्ण जो नीचे दिखाए गए हैं वो सतयुग के हैं या संगम के हैं? सतयुग के हैं। तो सतयुग में जो मुरली का बेहद का अर्थ होगा या हद का अर्थ होगा? सतयुग में हद का अर्थ होगा, वहां वाद्य यंत्र होंगे लेकिन ऐसे वाद्य यंत्र नहीं होंगे जिनमें दुनिया भर की ओ, क्या नाम ये मशीनरी दिखाई गई हो, सादा सादा वाद्य यंत्र होंगे, जैसे बांस लिया उसमें छेद कर दिए तान निकलने लगी सुरीली सुरीली, तो स्थूल मुरली की बात है। वो स्थूल मुरली मेल भी बजावेगा और फीमेल भी बजावेगी। और ब्रह्मचर्य गणेश को है उसमें तो ब्रह्मचर्य रूप दिखाते हैं, ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मचारी दिखाते हैं, ब्रह्मचारी दिखाते हैं। हाँ, उस नाथ में तो युगल रूप से दिखाते, विदेशी पहले पहचानते हैं बाप को या स्वदेशी पहले पहचानते हैं? है, जब विदेशी बाप को पहले पहचानते हैं, विदेशी बाप को पहले पहचानते हैं और स्वदेशी बाद में पहचानते हैं, तो जो गणेश का रूप है वो विदेशियों के पल्ले पहले वाला पड़ता है या बाद वाला पड़ता है? अरे आप बताइए ना, पहले वाला स्वरूप है गणेश का ब्रह्मचारी रूप, वो पहले उनकी दृष्टि में आ जाता है, बाद में लंबा समय बीतने के बाद फिर स्वदेशी जो है वो बाप को पहचानते हैं, तब तक गणेश बड़ा हो जाता है, तो बड़ा हो जाएगा तो फिर शादीशुदा होगा कि नहीं होगा? है, और जब तक वो शादीशुदा होता है तब तक विदेशी जो हैं वो ज्ञान को पूरी रीत न पकड़ पाने के कारण बात भूल जाते हैं, तो भूल जाने के कारण उनके पल्ले जो बुद्धि में बात बैठी वो ब्रह्मचारी गणेश की बैठी या युगल गणेश की बैठी? ब्रह्मचारी गणेश, तो उसके उसी की पूजा होती है, उसी के मंदिर बनाते हैं। और है एक सौ आठ चक्कर के बारे में,
क्लेरिफिकेशन, 108 चकत्ती वाला कपड़ा पहनना है ये बाबा ने बोला। और 8 चकत्ती हो सकती है, 8 भी हो सकती है, माना आगे चल के जब जोर से विनाश होगा, भूकंप आएंगे, बम फटेंगे, तो कल कारखाने रह जाएंगे है? नहीं रह जाएंगे, तो कपड़ा मिलेगा है? तो कपड़ा जब मिलेगा ही नहीं, तो कपड़ा तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, सबको तो नसीब नहीं होगा, तो क्या करना पड़े है? चकत्तियां लगानी पड़ेंगी कि नहीं लगानी पड़ेंगी? लेकिन जो आदि होंगे चकत्तियां लगाने के, गरीब लोग, उनको तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और जिनको शर्म आती है, अरे हम चकत्ती वाला कुर्ता क्यों पहनेंगे, तो वो तो बस उनकी तो हालत खराब हो जाएगी, हार्ट फेल होने लगेंगे। सड़ जाएगा। तो बेहद का भी तो अर्थ है, है? और मनसा सेवा कैसे करना है? कोई बुढ़िया है, 80 साल की, 90 साल की हो गई, हाथ पांव कांपते हैं, लाठी ले लेकर के चलती है, हैं? और वो लक्ष्य ले और पूछे कि मैं शरीर की सेवा कैसे करूं, है? कर सकती है या नहीं कर सकती है? हैं? नहीं कर सकती। अच्छा चलो, बुढ़िया नहीं है, कोई नौजवान है, लेकिन शरीर में टीबी की बीमारी ने पकड़ लिया, शरीर एकदम जर्जरित कमजोर हो गया, अब वो कहे कि मैं शरीर की सेवा कैसे करूं, तो क्या करना पड़े? शरीर की सेवा कैसे करूं, उसका सवाल मनसा का नहीं है, उसका सवाल क्या है? शरीर की सेवा कैसे करूं, शरीर से, शरीर के इंद्रियों से कैसे सेवा करूं दूसरों की, तो क्या कहना पड़ेगा? कि भाई पहले ठीक तो हो जाओ, है? अरे शरीर जब तक तंदुरुस्त नहीं हो जाएगा, तो दूसरों की सेवा कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। ऐसे ही कोई पूछे मनसा सेवा कैसे करें, तो क्या जवाब आएगा? है? है, मनसा पहले एकाग्र तो कर लो, प्रैक्टिस तो पक्की हो जाए। मनसा कितनी एकाग्र हुई है? जितना मन एकाग्र होगा, उतनी मनसा सेवा का रिजल्ट निकलेगा, नहीं तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। इसलिए जो सेवा मिले, तन की मिले, तन सक्षम है तो तन की सेवा करो, धन की सेवा मिले, धन से सक्षम है, सक्षम नहीं भी है, साधारण है, लेकिन पेट की दो रोटी तो मिल सकती है, पाव भर आटा, पुरुषार्थ के लिए और ज्यादा तो नहीं चाहिए, तो धन की भी सेवा कर सकते हैं। और जिनके पास समय बहुत है, बड़े आदमी का बच्चा है, घर वालों का कोई बंधन नहीं है, तो ऐसी निर्बंधन आत्मा, उसके पास समय बहुत है, तो समय से सेवा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? समय ईश्वरीय सेवा में लगाए, संबंधी ढेर के ढेर होते हैं किसी के,
और पावरफुल संबंधी होते हैं। उन पावरफुल संबंधियों की ताकत ईश्वरीय सेवा में लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है? बल ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, है? नहीं लगा सकता। कैसे? वो ज्ञान में ही नहीं चलते हैं? नहीं, एडवांस के आदि में जो चार भाई थे उनमें से एक भाई ऐसा भी था जिसके बड़े बड़े महानगरों में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हौदे पर काम करने वाले रिश्तेदार थे, बड़े बड़े मकान थे, बाबा को साथ लेके पहला पहला टूर उसने ऑल इंडिया में लगाया और उन संबंधियों को बोला कि हमें 6-7 दिन रह करके सेवा करनी है ईश्वरीय ज्ञान की। आप सुनना चाहो तो हम आपको भी सुनाएं, हमने तो अपना जीवन दे दिया, तो उनके पास तो टाइम नहीं होता है। बाकी उनके पास कमरे थे तो दे देते थे, वन रूम सेट बढ़िया सा दे दिया, 6-7 दिन 8 दिन सेवा करो। बंबई हो, कलकत्ता हो, कानपुर हो, कोई भी शहर हो, तो संबंधियों की ताकत से सेवा की जा सकती है कि नहीं है? कर सकते हैं। तो तन हो, धन हो, मन हो, समय हो, संपर्की हो, संबंधी तो गहरे होते हैं। संबंधी होते हैं खून के संबंधी, ज्यादा नजदीक होते हैं, लेकिन संपर्की थोड़े दूर दूर होते हैं। लेकिन कोई के संपर्क में आने वाली आत्माएं ढेर की ढेर होती है, और बड़े बड़े लोग होते हैं, तो संपर्कियों के ताकत लगा के सेवा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। यहाँ कौन सी सेवा विशेष है? यहाँ मनसा की सेवा विशेष है, क्योंकि यहाँ मन बुद्धि रूपी आत्मा का ज्ञान दिया जाता है, आत्मा को प्रेफरेंस दिया जाता है। आत्मा मन बुद्धि को कहते हैं। तो आत्मा को पहले पावरफुल बनाना है, लेकिन वो पहले तो पावरफुल नहीं बन जाएगी। प्रैक्टिस करने से जितनी जितनी जिसने प्रैक्टिस की होगी आत्म की स्थिति में रहने की, बाप की याद करने की, उस प्रैक्टिस के अनुसार मनसा पावरफुल बनेगी, फिर मनसा सेवा कर सकता है। न करे भाग दौड़ की सेवा, न करे वाचा की सेवा, न करे संपर्कियों की सेवा, संबंधियों की सेवा। मनसा सेवा ही इतनी पावरफुल हो जाए कि चारों तरफ से खींच करके आत्मा उसके पास आने लगे। तो किसने पूछा था? जवाब मिला? क्या करना है मनसा सेवा के लिए बताओ उन्हें, आप बात समझा तो दो कि मनसा सेवा के लिए, उनका प्रश्न था मनसा के लिए सेवा के लिए क्या करें, तो जवाब तो दे दो उनको, क्या करना है? है मन को एकाग्र करने की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए सब ताजी हरे भजो, दो रोटी पेट को मिल गई तो बाकी कुछ भी नहीं करना है, सब छोड़ दो, याद में लग जाओ, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस में लग जाओ।
ऊपर से नीचे गिरेंगे। ये किसने कहा है? माता ने कहा। अच्छा, किसी पिता की बात सुनना शुरू करो, पिता क्या कहता है। किसी माता ने कहा उपग्रह नीचे गिरने लगेंगे, और फिर दूसरे पिता की बात ले लो, पिताएं भी बहुत हैं और माताएं भी बहुत हैं, तो किसकी किसकी बात बुद्धि में रखेंगे और किसकी किसकी बात का फैसला करेंगे और करवाएंगे हैं? एक को भी नहीं छोड़ना, सभी को बाप का पैसा देना करके बोला है। वो कब ऐसा सर्विस होगा? कब ऐसा सर्विस होगा? 500 करोड़ भी आत्मा को कब परिचय मिलेगा है? लास्ट में परिचय। 500 करोड़ भी आत्मा कलयुग के अंतिम जन्म में आवेगी, आएगी ना, एक ही जन्म लेगी और एक ही जन्म में उसे आधा सुख आधा दुख भोगना है। तो लास्ट में आने वाली जो आत्मा है परमधाम से, वो आत्मा के परिचय प्राप्त करने की स्टेज में, शूटिंग पीरियड के अंत में ही आवेगी या मध्य में आवेगी या आदि में आवेगी है? अंत में ही आवेगी। 900,000 आत्मा यज्ञ के आदि में संदेश ले गई, तो वो सृष्टि के आदि में आती है, मध्य में आती है, अंत में आती है, आदि में ही आती है। ऐसे ही जो 500 करोड़ मनुष्य सृष्टि की आत्माओं में से आखिरी पूर्व होगा, वो शूटिंग पीरियड के लास्ट में परिचय लेगा भगवान का, आत्मा परमात्मा का, या पहले लेगा? लास्ट में लेगा। जैसे वहां ऊपर से आत्माएं आती है इस दुनिया में आकर के, जीवन में आती है, उनको जीवन मिलता है ना, ऐसे ही शूटिंग पीरियड में उसी क्रम से आत्माएं अपने स्वरूप की पहचान में आती है, अपने बाप की पहचान में आती है। कोई को पहले परिचय मिलता है, कोई को बाद में परिचय मिलता है। भक्तिविहीन ज्ञान निष्कलम कैसे बाबा? शास्त्रों में भक्तिविहीन ज्ञान निष्कलम, भक्ति नहीं ज्ञान निष्कलम। आपने 63 जन्म में भक्ति नहीं की होगी तो ज्ञान का फल आपको मिल जाएगा है? आपने 63 जन्म में जितनी भक्ति की होगी उतना ज्ञान का फल मिलेगा। अगर भक्ति नहीं की होगी, भक्ति के बिना ज्ञान निष्फल हो जाएगा। जिसने जास्ती भक्ति की होगी उसको जास्ती ज्ञान मिलेगा। अभी तो लास्ट पूर्व हो गया, तमो प्रधान भक्ति हो गई, तो तमो प्रधान ज्ञान मिल जाएगा। अभी भक्ति तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तमो प्रधान है। तो अब जो तमो प्रधान भक्ति करेगा तो ज्ञान कैसा उठाएगा? तमो प्रधान ज्ञान उठाएगा। किसी ने लिखा है कोहनूर हीरा के 3 भाग करके 1 भाग राजा के तख्त में लगाया गया,
क्या कहाँ लगाया गया? राजा के तख्त में। अकाल तख्त है ना, सिखों में कौन से तख्त का गायन है? अकाल तख्त, जिसके ऊपर बैठ करके राजा राज्य करता है। सारा आधार सारा बोझा किसके ऊपर डाल देता है? है तख्त के ऊपर डाल देता है। तो आधार कोहनूरी, ऐसी मान्यता है को कोहनूरी हीरा का एक हिस्सा तख्त में लगा दिया, और दूसरा रानी के ताज में लगा दिया। क्या? अरे तख्त से ही थोड़ा ही काम चलेगा है? राजा हो और उसकी रानी ना हो तो राज्य काम का है? कोई काम का नहीं। तो रानी भी है और उस रानी के जो जिम्मेवारी का ताज है उसमें वो हीरे का दूसरा हिस्सा भी लगाए दिया गया। तीसरा राज दंड में रखा हुआ है। राजा का राज दंड होता है, ये भक्ति मार्ग की मान्यताएं हैं कि ज्ञान मार्ग की मान्यताएं हैं? दंड सतयुग त्रेता में होता है या द्वापर कलयुग में होता है? द्वापर कलयुग में दंड होता है, सतयुग त्रेता में दंड की बात नहीं है। तो राज दंड में कोहिनूर हीरा का तीसरा हिस्सा रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है बताओ भाई, किसी की बुद्धि में आता है? हैं? नहीं माता, सीधा नहीं आता है, कह देते। अरे त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिव की तीन मूर्तियां। तो जब त्रिमूर्ति कहा जाता है तो उसकी यादगार में तीन शेरों की लाट बनाई जाती है, तीन कपड़ों का झंडा बनाया जाता है। त्रिमूर्ति तो बहुत प्रसिद्ध है, वो तीन मूर्तियां जो स्थापना पालना और विनाशकारी है, वो शिव की तीन मूर्तियां आदि से अंत तक काम करती हैं या नहीं करती हैं? है? करती हैं। जितनी जितनी स्थापना होती जाती है उतना उतना विनाश भी होता है, और जितना जितना स्थापना और विनाश का कार्य संपन्न होता है उतनी पालना भी होती जरूर है। बल पालना अंत में पूरी प्रत्यक्ष होगी। तो ये तीनों आत्माएं हैं या नहीं है ब्राह्मण की दुनिया में? यही कोहनूर हीरा। नूर कौन है? राम और कृष्ण की आत्माएं या वैष्णवी देवी की आत्माएं नूर है? नूर माने रोशनी, या वो नूर है? हैं? नूर कौन है? नूर तो आखिर सदैव जो नूर है वो तो शिव बाबा है ना। अरे वो ना आए तो हीरो पाचधारी प्रत्यक्ष होगा? हैं? नहीं होगा। तो उसके तीन रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। उनमें जो ब्रह्मा का रूप है वो आदि का संपन्न रूप है, या अंत में जो ब्रह्मा का रूप संपन्न होता है जगदम्बा के रूप में उसका गायन है पूजन है, अंत वाले का गायन पूजन है।
इसलिए वो एक हिस्सा जो है उस जगदम्बा जो महाकाली के रूप में भी पार्ट बजाती है और राज करेगा खालसा, क्या राज्य भी करेगी विश्व का, वो आधार है किसका, जगत पिता का। तो वो हो गया राजा का तख्त, अकाल तख्त। दुनिया उसकी स्थिति को देख करके क्या समझती है, ये तख्त हिल रहा है, डूबा कि डूबा, गया कि गया। और बाबा क्या कहते हैं, सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए जो अकाल तख्त पर बैठने वाला है आराम से बैठा रहे, उसको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। दूसरों को संशय पैदा होता है, क्या पता नहीं रहे रहे या न रहे, तो वो तख्त है, वो एक हीरा का हिस्सा उसमें गया। दूसरा गया रानी के ताज में, राज्य में राजमाता ही सब कुछ होती है कि और भी कोई विशेष सहयोगी है राजा का, राजलक्ष्मी। तो जो राजलक्ष्मी कौन है, वैष्णवी, उसके ताज में है। कौन सा ताज है, प्योरिटी का ताज, कि प्योरिटी के ताज में वो हीरे का एक हिस्सा लगा हुआ है। और तीसरा राज दंड, क्या जो राजा का दंड है, जैसे स्कूल में टीचर होता है ना, तो टीचर जैसे राजा होके बैठता है और सब स्टूडेंट कैसे बैठे है, प्रजा हो गई। छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में पढ़ते हैं, प्रजा होके बैठे हुए, कोई बच्चा गलती करता है पहली बार माफ कर देगा, फिर गलती करता है दूसरी बार माफ कर देगा, बार बार गलती करेगा तो क्या करेगा, डंडा मारेगा कि नहीं मारेगा। तो राजा के हाथ में होता है राज दंड। जो मुरली में बोला है एक बार माफ दो बार माफ, खुदा न खास्ता तीसरी बार भी माफ कर देंगे लेकिन बार बार माफ नहीं होगा। तो वो जो राजा बनने वाली तीसरी आत्मा है जगत पिता कंट्रोलर, उसके राज दंड में, दंड क्या चीज है, जो ईश्वर की मत है वो ही राजा का दंड है। अपने भारत में सन्यासी होते हैं भांति भांति के, उन सन्यासियों में एक दंडी स्वामी भी होते हैं, ऊंचे माने जाते हैं। उनके हाथ में क्या रहता है, डंडा रहता है, है जहां शंकराचार्य मोस्टली। तो वो उन्होंने नकल की है संगम युग की, वो राज दंड है, दंड कोई दूसरा नहीं है, जो ईश्वर की मत है वो 100% मत पर चलाने के लिए वो दंड काम में लिया जाता है। अभी कोई चले ना चले 70-71 साल हो गए, वो राजदंड अभी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। फिर क्या होगा, जब सदगुरु का पार्ट चलेगा तो वो राजदंड काम करने लगेगा।
माँ माफ कर देती है, बाप बच्चों को माफ कर देता है, टीचर भी बार बार बच्चों को माफ करता है, क्योंकि इनकी उम्मीद लगी रहती है बच्चों में। लेकिन सदगुरु का पाठ इतना सख्त है कि वो माफ नहीं करता। तो तीसरा हिस्सा लगा हुआ है राजदंड में, बाकी ऐसे नहीं है कि जो वास्तव में जो कोहनूर हीरा है कहाँ रखा हुआ है आजकल? विदेश में रखा हुआ है, उसके तीन हिस्से कर दिए। ऐसा हिस्ट्री में कहीं आता है? हैं? कहीं हिस्ट्री में ऐसा आता है कि कोहनूर हीरा के तीन टुकड़े कर दिए गए? नहीं, ये पौराणिक मान्यता है, परंपरा से ये मान्यता चली आ रही है कोहनूर हीरा के बारे में। ये किसमें गया? किसमें गया? कुसमें? कुसमें क्या? अरे एक भाग तख्त में गया, तख्त माने आधार जिस पर राजा बैठता है, वो तो समझ में आ गया। दूसरा रानी के ताज में, समझ में आ गया। और तीसरा राज दंड में, डंडा हाथ में पकड़ा जाता है ना, तो ये बुद्ध रूपी हाथ है जिसमें श्रीमत रूपी राज दंड पकड़ा जाता है। उस राज दंड से फिर क्या करते हैं? दंड देते हैं। इसलिए बोला है कि तुम्हारी रूहानी सेना का मार्शल कौन है? शंकर। वो मार्शल अंत में मार्शल ला लागू करेगा तो दंड देगा या नहीं देगा? देगा। किस आधार पर देगा? कोई स्थूल दंडा चलाएगा क्या? है? हाँ, मर जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे, अनिश्चय बुद्धि में आ जाएंगे, बोलने लग पड़ेंगे अरे रावण का राज्य है, जरा भी दया धर्म नहीं है। माता जी बोल रहे हैं कौन से टाइम पर शुरू होगा तब हम अलर्ट हो जाएं, तब तक मस्ती मारते रहे। टाइम हो गया।